नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज हम हाजिर हैं एक और नई ऑफलाइन वैकेंसी लेके। जी हाँ दोस्तों, ये निकली है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली के लिए। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि इसकी लास्ट डेट रहने वाली है 10 अगस्त 2023। ये वैकेंसी निकली है दोस्तों डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों के लिए। कितनी वैकेंसी है ये आपको बताएंगे बाद में। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि डॉक्यूमेंट में आपको क्या क्या प्रोसेस करना है। डॉक्यूमेंट के लिए आपको दो लिफाफे तैयार करने हैं, छोटे वाला लिफाफा, बड़ा वाला लिफाफा। बड़े वाले लिफाफे के ऊपर आपको लिखना है सब्जेक्ट में एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ डाटा एंट्री ऑपरेटर। छोटे वाले लिफाफे के ऊपर आपका एड्रेस होना चाहिए टू लगा के। पोस्ट में आपको बता देते हैं कि पद एक ही लिखा है, लेकिन इसमें दोस्तों एक नहीं ज़्यादा वैकेंसीज होती है। ये इसलिए पद एक कम लिखते हैं क्योंकि इनके रिलेटिव वगैरह को इसमें प्रायोरिटी दी जा सकती है। तो इसमें आपको एज रहने वाली है 18 साल से 25 साल तक। वेतन लगभग आपका 17,000 रुपये मासिक रहने वाला है। इसमें कम या बढ़ोतरी की जा सकती है। योग्यता में आपको बता देते हैं, इसमें आपको 12वीं पास तथा MS ऑफिस का ज्ञान होना चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ज्ञान होना चाहिए तथा 15,000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की आपकी कंप्यूटर ड्राइविंग हो मांगी गई है। इन एड्रेस को आपको डॉक्यूमेंट्स में पहले बता देता हूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट रहने वाले हैं। तो 10-12 की मार्कशीट सब में कंपलसरी होती है। साथ ही आपको ये देखिए दोस्तों, जाति प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि, कंप्यूटर, जी हाँ दोस्त, कंप्यूटर की आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इसमें ज़रूर लगाना है। इसके साथ ही अनुभव प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि भी लगानी है। इन सबको आपको लिफाफे में नहीं डालना दोस्तों, इनको मैंने एक डॉक्यूमेंट में डाल के आपको ईमेल AIMSICMRproject@gmail.com को सिंगल PDF में करके इस ईमेल एड्रेस के ऊपर भेज देना है। इसके अलावा दोस्तों आपके जानकारी के लिए हम आपको बता देते हैं कि केवल जो आपको अगर आपका चयन हो जाता है या सिलेक्शन के लिए आपको बुलाया जाता है तो केवल शॉर्ट लिस्ट आवेदकों को ही बुलाया जाएगा। यानी कि वहाँ पे भंडारा के लिए आदमी बुला लिया जाता है तो जो गिने चुने व्यक्ति हैं उन्हीं को वहाँ पे बुलाया जाएगा। इसके लिए ईमेल अपना चेक करते रहिए। इसमें साक्षात लिखा है कि ये समय पर अपना ईमेल चेक करते रहिए क्योंकि ईमेल पे आपको अपडेट दे दिया जाएगा कि आपको कब बुलाया जाएगा, कब आपका इंटरव्यू है। इसके अलावा देखिए, साक्षात्कार के लिए आते समय ID प्रूफ, अपना आधार कार्ड या जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो लेके जाना है। मूल प्रतियाँ साथ में लगेगा, जी हाँ दोस्तों, फोटोकॉपीज ना लाए, मूल प्रति ही साथ में लेके आए। इसके अलावा ये आपको बता देते हैं कि ये संविदा के आधार पर अभी भर्ती की जा रही है, लेकिन दोस्तों इसमें लगभग परमानेंट जॉब हो जाती है। और सरकार आपको ये भी पता होगा कि लगभग संविदा नौकरियों को परमानेंट करने के लिए जुगत में हैं। इसके साथ ही आवेदन में अपना फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी से तो आप भेज ही रहे हैं, इसके साथ ही अपना फ़ोन नंबर भी इसमें मेंशन कर दे ताकि अगले वाले को कोई अगर आपको कॉल वगैरह करे तो कोई दिक्कत ना हो। इसी के साथ हम इसी वीडियो में इतना ही। आगे की वीडियो के लिए बने रही, ऐसे ही हम नए जॉब की अपडेट लाते रहें। अभी हाल ही में हमने एक एयरपोर्ट जॉब वैकेंसी पर वीडियो बनाया है तो उसको ज़रूर आप देखिएगा।